सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म सिकंदर का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में शुरू हो चुका है। इसी बीच वहीं से लगातार सोशल मीडिया पर सलमान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसमें एक वीडियो में सिकंदर में सलमान के नाम से पर्दा भी उठ गया है। बॉलीवुड दबंग सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों के मिलने बाद भी भाईजान ने फिल्म सिकंदर की शूटिंग जारी रखी है। इस समय फिल्म सिकंदर की शूटिंग हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में हो रही है, जहां सेट से कई वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं इसी बीच सिकंदर के सेट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सिकंदर में सलमान खान के नाम से भी पर्दा उठ गया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों के मिलने के बाद सलमान खान की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि जाने से मारने की धमकियों के बीच सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर की शूटिंग पर भी असर पड़ी। बहरहाल भाईजान ने फिल्म सिकंदर की शूटिंग अब हैदराबाद में शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर लगातार इस समय सिकंदर के सेट से कई वीडियो सामने आए हैं। यह वीडियो सलमान के एक फैन ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो में फलकनुमा पैलेस दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक ओबी वैन दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर साफ लिखा दिखाई दे रहा है, सिकंदर सलीम नाडियावाला। इस वीडियो से प्रशंसक यही कयास लगा रहे हैं कि क्या फिल्म में सलमान खान का नाम सलीम होगा। एआर मुरुगादॉस के निर्देशन में बन रही सलमान खान की सिकंदर को साजिद नाडियाडवाला निर्माण करने जा रहे हैं। फिल्म में सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर सहित कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिंघम अगेन में सलमान का कैमियो प्रशंसकों को बहुत पसंद आया। इस मूवी में सलमान खान को चुलबुल पांडे के किरदार में देखकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं। बहरहाल सलमान के प्रशंसकों को उनकी फिल्म सिकंदर की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।